मैं सबको देखते देखते बोल लूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक नए शो के साथ में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे क्या है शो, इसके बारे में बताइए। वेल थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत टाइम के बाद मेरा कोई शो ऐसा, यू नो एज एन एंकर इट्स कमिंग आउट। फर्स्ट शो मेरा है नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म पे एज अ होस्ट। बहुत कम चांसेस मिलते हैं नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक यू नो, एंकर करने के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शोज फिक्शन शोज होते हैं। उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है। लव ओके प्लीज़ एक ट्रैवल बेस्ड शो है। ट्रैवल एंड लव को हमने कंबाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि व्हेन यू ट्रैवल विद समबडी, या आप अगर अकेले भी होते हैं ट्रैवल पे और आप किसी को मिलते हैं, तो आप एक कनेक्शन बनाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, हर किसी के साथ आपका एक अलग कनेक्ट होता है। बट आउट हियर आर फर्स्ट प्रायोरिटी कनेक्ट इज़ लव, कि क्या आप को प्यार हो सकता है किसी के साथ एक ऑन योर जर्नी या ट्रैवल पर। एंड आई थिंक वी बीन लकी दैट वी हैड सम रियली रियली ग्रेट पीपल टू वर्क विद, द एंटायर टीम एंड द कंटेस्टेंट्स, एंड दैट्स द शो अबाउट। हम उनको लेके गए थे, हम 8 लोगों को लेके गए थे हिमाचल, मैक्लोडगंज टू मनाली वॉज आर रोड ट्रिप, जहाँ पे वी पेयर्ड पीपल अप एंड वी टोल्ड पीपल टू स्पेंड टाइम टुगेदर, क्योंकि यू नो इन टुडेज एरा व्हेन पीपल आर नॉट बिलीविंग इन लव, या एवरीथिंग इज, आप जो टीवी पे भी देखते हैं या जो शोज भी आते हैं कि लव धोखा है, लव ये है, लव फलाना है, लव धमाका है, लव इज़ अ स्वाइप, आई थिंक वी जस्ट ट्राइंग टू लाइक चेंज अ परसेप्शन दैट लव इज़ रियल, आई एम श्योर, एंड इट जस्ट नीड्स अ लिटिल एफर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड इफ यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन ईच अदर, आई थिंक इट विल रिजॉल्व और रेजोनेट इन टू लव। वी आर नॉट फोर्सिंग, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि, विच वॉज द बेस्ट थिंग आई थिंक ऑफ द शो, कि हम लोग हम चाहते थे कि एज द मेकर्स और एज पीपल हु आर ऑन द शो दैट हम देखें कि हमारे 10 दिन के सफ़र में किसी को प्यार होता है नहीं होता है, बट आई एम श्योर 10 दिन बहुत कम, एक छोटा सा समय होता है। तो वी वर नेवर यू नो, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे थे कि किसी को कुछ बोल दो, आई लव यू बोल दो या ना बोलो, बट इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट जो हम देख कर कोशिश कर रहे थे, एंड आई थिंक वी सक्सीडेड इन इट बिकॉज हमने देखा कि यू नो कई लोग बहुत कंपैटिबल थे, कई लोग बिल्कुल कंपैटिबल नहीं थे, विच इज़ वेरी रियल। एंड एम एक्स प्लेयर का पहला नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म है, एम एक्स प्लेयर इज बिन देयर फॉर सो लॉन्ग, इट हैज़ अराउंड 75 million एक्टिव व्यूअर्स ऑलरेडी, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इट्स ईजिली एक्सेसिबल, और द बेस्ट थिंग इज़ आजकल बहुत लोग ऐप्स डाउनलोड इसलिए नहीं करते क्योंकि यू नो देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर अ लॉट ऑफ पीपल विच दे कांट बेयर। एम एक्स प्लेयर एज ऑफ राइट नाउ इज़ अ फ्री ऐप, इट्स अ फ्री टू डाउनलोड ऐप, यू कैन वॉच एनी थिंग फ्री, तो प्लीज़ अगर आपके पास एम एक्स प्लेयर है तो हमारा शो देखिए लव ओके प्लीज़, अगर नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए डाउनलोड। ओके, उसके अलावा यू नो अलग अलग लोकेशंस पे जाकर शूट किया, कितना मज़ा किया? बहुत मज़ा आया, क्योंकि हिमाचल जब हम सोचते हैं ना तो हम 4-5 जगहें ही हैं हिमाचल में जो हम देखते हैं, बट मैंने खुद हिमाचल की इतनी अलग अलग नई नई जगहों को देखा, उधर के कल्चर्स, उधर के फूड, उधर के यू नो स्पेशलिटी या स्पेशल रेस्टोरेंट्स कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जो हमने अमैलग्रेमेट करने की कोशिश की है शो में। यूजली क्या होता है जब आप ट्रैवल शो देखते हैं या कोई भी, आप बहुत लोग मुझे सुबह से पूछ रहे हैं कि यू नो कंपैरिजन हो रहे हैं कि हमने टीवी पे ऐसा कुछ देखा है, वो देखा है, एंड क्या अलग होगा। आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव नेवर सीन इन एनी शो इज़ कि एवरीथिंग दैट द कंटेस्टेंट्स डू इन द शो, अगर वो मैक्लोडगंज में है तो मैक्लोडगंज के हिसाब से एवरीथिंग विल बी सेटअप, अगर मनाली है तो मनाली में जो मनाली की खासियत है, अगर पालमपुर है, बीर है, कुल्लू है, तो आई थिंक विच इज़ विच ऑल्सो आई थिंक रेजोनेट्स विद द फैक्ट कि एक ट्रैवलर क्या करता है। ट्रैवलर जब एक जगह जाता है तो उस जगह के रहन सहन को कोशिश करता है टू लिव लाइक अ लोकल, एक टूरिस्ट जाता है तो 4 जगह फ़ोटो खींच के आ जाता है, तो मतलब आई थिंक ये जो हमने अमेलगमेशन किया है ये बहुत मज़ेदार था, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं या मैं आज से 10 साल बाद भी जब इस शो के बारे में सोचूंगा तो आई विल हैव अ फेवरेट प्लेस और अ फेवरेट थिंग दैट आई डिड ऑन द शो, एंड आई थिंक वही चीज़ है जो याद रह जाती है। आई थिंक
that's a recipe for a great show, at least as somebody who's worked on the show. Okay, आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है जी. और यू नो पूरा लोकेशन भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट है कि यार बहुत एक्साइटमेंट है कि दोस्त आने वाले हैं. कई दोस्त नहीं हैं टाउन में. ऑल्सो कल होली थी तो आज सब होली के हैंगओवर से उठ रहे हैं, या क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड हो गया है तो लोग काम कर रहे हैं या बाहर हैं. तो मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं आ पाएंगे, या बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हम शूट ख़त्म करके आ जाएंगे. कोशिश यही है, तो आई होप दे कम. एंड बट आई एम श्योर अगर जो नहीं आ पाएगा, जैसे मुझे ऋत्विक का मैसेज अभी आया है कि मैं MX प्लेयर डाउनलोड करके तुम्हारा शो देखूंगा. तो आई थिंक इट्स ग्रेट. इवेंचुअली आई थिंक एज मेकर्स एंड एज पीपल जो शो पे काम करते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि सब लोग आपका शो देखें, आपका काम देखें. उसके बाद अच्छा लगता है बुरा लगता है दैट्स ओके. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे यार देखा ही नहीं. तो आई एम एक्साइटेड, आई होप दे लाइक द शो. आई हैवंट सीन द शो, मैंने मतलब कुछ नहीं देखा शो का, तो मुझे भी नहीं पता शो कैसा लग रहा है. तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड आई होप इट वर्क्स आउट. ओके, कुछ आप अभी बताना चाहेंगे? बस यार अभी फिलहाल माई शो इज़ कमिंग, लव ओके प्लीज़ इज रिलीजिंग 25 मार्च को पहले 6 एपिसोड, 1 जनवरी को बाकी के 6 एपिसोड. 12 एपिसोड का शो है, प्यार के बारे में है, ट्रैवल के बारे में है. अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ से रेजोनेट करते हैं या नहीं करते हैं, आई एम श्योर अगर आप ये शो देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा. यू लव दिस शो, यू विल एंजॉय इट. प्लीज़ वॉच इट ऑन MX प्लेयर एंड गिव अस ऑल द लव एंड वी विल बी बैक विद सीजन 2. यार आई होप वी विन. क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं लंदन में होऊंगा. 9 जून मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे के दिन इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है वो देखेंगे. फिर 16 जून को इंडिया पाकिस्तान है, तो चांसेस कितने वो देखेंगे. यार मतलब चांसेस तो मतलब मैं अगर आई होप, मैं मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही होती, बट आई होप दे विन. I will not say may the best team win, because I want my team to be the best team, and I think we're a great team, and theek hai jeetenge yaar. Matlab I'm sure, I hope we'll win. Lastly, ye puchne ka bhavishyavani ki baat kya hai, to astrology aur rashi aur kundli mein kitna aapko meri ungliyan dekh ke lag raha hai main kisi cheez mein believe karta hu. Fir bhi kya kehna chahiye ki bhavishyavani jo hoti hai ya kundli jo hota hai jo rashi hoti hai wo kitna bada sakta hai? यार आई डोंट नो यार, मतलब क्या होता है ना, जब कोई जब अच्छी चीज़ पूछते हैं लोग, अच्छी चीज़ बताते हैं तो हम सब मान जाते हैं, कुछ गलत बताता है तो कोई नहीं मानता है. तो आई डोंट नो यार, मतलब आई डोंट आई बिलीव इन इट, बट टू अ पॉइंट जहाँ तक वो ठीक है. मतलब मैं राशि और वो सुबह सुबह अखबार पढ़ के वो जो राशि फल आता है उसके हिसाब से लाइफ नहीं जीता हूँ. बिकॉज आई एम श्योर जब दो लोग एक ही दिन पे पैदा होके कितने अलग हो सकते हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच इट्स ट्रू, बट जितना बिलीव कर सकते हैं उतना बिलीव कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, उसके अलावा अपनी मेहनत करो. ओके ओके, सो करण का न्यू शो आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करने आए हैं, उनको शो देखने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? बहुत खुश हैं हम, यू नो वी आर वेरी हैप्पी. यहीं देख रही हूँ सर, सेंटर में ही देख रही हूँ. वी आर वेरी हैप्पी फॉर करण, एंड ट्रैवल किया है उसने बहुत सारा, एंड ट्रैवल पे बहुत कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं. आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं और यू नो एक नए तरीके से खुद को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. यू नो ट्रैवलिंग फॉर द सेल्फ इज़ सो गुड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए. सो एक ट्रैवल शो देखना और वो भी हमारे दोस्त के दोस्त उसमें है, बहुत ही मजा आने वाला है. आई एम श्योर लोग बहुत खुश हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं. मैं बहुत जेलस हूं. मैं भी खुश नहीं हूं, डोंट वरी, आई एम विद यू. क्योंकि आई हैव अ हाउस हियर, एंड व्हेन ही वाज हियर मैंने उसे फ़ोन किया था, मैंने कहा घर आ जा खाना खाने, कहता हाँ हाँ शाम को आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, पहुँचा नहीं. फिर वो यहाँ पे पहुँच गया, फिर वो यहाँ पे पहुँच गया, और मैं इन जगहों पे नहीं पहुँचा. तो मुझे बहुत जेलसी है, मैं बहुत नाराज़ हूँ करण भाई से. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक काफ़ी देर तक मैं ट्रैवल करता था और ये सब मुझे गालियाँ देते थे. अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे मैं गालियाँ दूंगा, और मैं ऑनेस्टली बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि सीजन 2 में मुझे जाना. दैट्स माय व्यू पॉइंट. सबको जाना. Listen, I though can't even say that, you know, I want to
be like a good host like him, because I don't know whether I'm a good host like him. But like, Raj has traveled extensively. He of course has come to the show. Riddhi, she's a fabulous host either way. So host? Traveling and hosting, मुझे सिर्फ ट्रैवल करना है, मुझे कोई ले जाएगा शो पे ट्रैवल करने के लिए. ओके, मोर देन दिस लव, लव के बारे में है शो, तो आपसे ज्यादा से कि लव में कितना भी लिखते हैं. हम तीनों सिंगल हैं. तो वी आर गोइंग थ्री, सो वी आर ऑल सिंगल. सीजन टू के लिए सेलिब्रिटी राउंड होगा, सो आई एम सपोज टू से दैट, राइट? ओके, हम सब सिंगल हैं, हम सब अपने पार्टनर ढूंढने जाएंगे. मुझे लगा था वही अकेला ट्रैवल कर रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे मैंने रामलीला बना रहा है वहाँ पे बैठ के सबके, वो सब मैंने प्रोमो में देखा. बट सिंगल सिंगल सिंगल, रेडी टू मिंगल अप इन द क्लोल्ड, इन द बीचेस, इन बिकिनीज, वॉट एवर. आई एम नॉट वेयरिंग द बिकिनी, द गर्ल्स आर वेयरिंग इट इन सीजन टू. आई विल बी डूइंग इट. व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक आपका क्वेश्चन क्या था? नॉट यू, हर. नो, आई थिंक लव में बिलीव करती हूँ. लव इज़ आई थिंक इन एवरी थिंग. हम यहाँ इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्यार है. सो आई दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट थिंग्स. बट डेटिंग टू ईच इज ओन. आई मीन ऑफकोर्स यू हैव टू डेट, यू हैव टू गेट टू नो समबडी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना यू नो हाउ कैन यू एवर एवर टेस्ट द वॉटर्स. एंड जो सबसे अमेजिंग बात एक है, यू नो, विच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो, अ लॉट ऑफ यंग पीपल, इफ़ यू नो इट राइट नाउ, आप प्लीज़ अपनी लाइफ पर अप्लाई कर ही लेना. इस शो देखने के बाद तो करेंगे ही. वो ये है कि आप जब किसी के साथ ट्रैवल करते हैं, आप उसको असली मायने में जानते हैं. सो यू नो, अ शो विच कम्बाइंस द टू इज़ ब्रिलियंट, बिकॉज यू रियली गेट टू नो योर ट्रू सेल्फ, ईच अदर्स ट्रू सेल्फ, है ना? नहीं, मैं रोज नया लव कर सकता हूँ फॉर एवरी न्यू डेस्टिनेशन. दैट इज नॉट द डिबेट, दैट इज द ब्यूटी. सो हर सिटी में, हर जगह पे कोई नया पार्टनर, आई एम परफेक्टली ओके. व्हाट्स हैपनिंग? मैं क्या ही बोलूं, उन्होंने अपने लिए बोल दिया. बोल दिया मैंने भाई, मतलब कि जस्ट यू नो दैट्स द वे इट शुड बी. मैन, सो ट्रैवल की बात करी रहे, तो कोई स्पेसिफिक फेवरेट जगह है आपको? मेरी तो मैंने यू, फॉर मी आई थिंक इट्स न्यूयॉर्क सिटी. आप जहाँ पे भी हो, प्लीज़ गो टू न्यूयॉर्क सिटी. और अगर आप हिंदुस्तान में करना चाहते, मुझे जगह बोलनी नहीं है एक्चुअली दुनिया को, बट प्लीज़ डू संस्कार. ओके, संस्कार इज वन प्लेस. या नो, आई डोंट वांट टू, बिकॉज इट्स एनीवे गोइंग टू बिकम टू कमर्शियल, बट यू सेड इट. बट संस्कार इज अ प्लेस जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी. लोग स्पीति जाते हैं. संस्कार कारगिल के साथ है, तो मैंने पिछले साल किया था. और एक जो मैं बाई चांस आई मस्ट ओ इट टू माई फादर, इज़ अ प्लेस कॉल्ड टबेगो. जितना मैंने ट्रैवल किया है दो साल में, मुझे रियलाइज हो गया है कि पहले अच्छा लगता था बहुत सारे लोग मिलना, यू सी डिफरेंट कल्चर्स, पीपल्स लाइक इन न्यूयॉर्क. बट अभी मैं ट्रैवल करता हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, दैट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो आई वुड से न्यूयॉर्क, टोबैगो एंड संस्कार. Oh, there are so many places. I haven't been to Paris and I want to, and I know I will love it. मुझे पता है मुझे वो जगह बहुत पसंद आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंच ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है. आपको क्या लगता है, आप क्या है? भाई मैं देसी पंजाबी हूँ भाई. चलो ठीक है, वो भी तो होना चाहिए. सो या, दैट्स नंबर वन. एंड जापान, दीस टू आर नंबर लाइक दीस. विल गो टुगेदर. We must. Japan is, and we Paris must. Are both from and Greece. Yes, and yes. Greece. Not Greece so much, but Japan and Paris. So yeah. I want to go to Switzerland, like a typical. I think everyone wants to go to Swiss Alps. Yeah. And just be Switzerland. There. So that is one place I really want to go. I want to go to New Zealand, Australia. I want to go everywhere. Everywhere that I've never. Jayenge, jayenge. Yeah, jayenge, jayenge. Okay, lastly, Karan, शो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बेस्ट विशेस. बहुत सारी बेस्ट विशेस करण. हर चीज, आई मीन वट एवर ही डज, वो बहुत दिल से करता है. और आई वी नो फॉर अ फैक्ट एज अ फ्रेंड कि काम उसके लिए बहुत बहुत, यू नो, ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट ही डज. एंड आई एम श्योर ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस ऑल्सो. हम उसके दोस्त, यू नो, आए हैं उसे सपोर्ट करने, बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू, यू नो, सी समवन हु डज समथिंग विद सो मच जेस्ट एंड, यू नो, जिंदा दिली से. सो है ना? सो इसीलिए, यू नो, सो वी जस्ट वांट टू विश हिम लक एंड सब अच्छा ही होगा. सब फर्स्ट क्लास है. आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट. आई थिंक मैंने पहले भी बता रही थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शोज लाइक दिस व्हिच आर आउट ऑफ द बॉक्स, व्हिच आर
first of its kind to become successful, especially jo travel ke related hota hai, because then you know people will, if this becomes successful, people will, you know, make such shows more. So yeah, I wish him all the best, not just to him, to the whole team who's behind it, and yeah, hopefully it's a lot of fun and it goes into season 2. सीज़न टू में मुझे ज़रूर लेके जाना. आई एम नॉट विशिंग यू ऑल द बेस्ट. सीज़न टू में तुझे पार्टनर नहीं मिला तो मैं तेरा पार्टनर बन के चलूँगा. तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा. भाई पुरानी दोस्ती है, वी आर कम्प्लीटिंग 15 ईयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप, तो इसी पे हम दोनों भी एक रोमांटिक भाइयों की तरह जा सकते हैं. और कुछ भी हो सकता है, तुम्हें क्या पता. मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा मैं देखूंगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा मैं देखूंगा. एंड आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम राइट नाउ इन आइदर वे. इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट नेशन. इट्स नॉट अ नेशन दैट्स बर्डन बाय ओ ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रांग है. ये आई थिंक आइदर वे वी विल सक्सीड नो मैटर व्हाट. I have very, very less knowledge of which team is better, but of course I am biased towards India, and I do believe that, you know, we're the best. सो आई डोंट फॉलो क्रिकेट, बट आई नो फॉर अ फैक्ट, आई मीन मैं एक टाइम पर फॉलो करती थी जब यू नो आप फैमिली के साथ रहते हो तब एवरी थिंग यू वॉच, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट हमारी जो अभी इंडियन टीम है वो बहुत सॉलिड है, नॉट जस्ट एज स्पोर्ट्समैन बट एज ह्यूमन बींग्स. दे आर सो सॉलिड एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट टू देयर गेम. सो यू नो यू डोंट हैव टू फॉलो द गेम टू नो कि वी हैव अ ग्रेट टीम एंड इट्स विजिबल. द उनकी जो डिटर्मिनेशन और फोकस है वो बहुत कमाल का है. सो आई एम रियली रियली रूटिंग एंड होपिंग कि यू नो दे प्ले वेल एंड एवरी डे इज देयर डे व्हेनेवर दे प्ले एंड व्हेनेवर दे डोंट ऑल्सो इट्स ओके. Lastly, one question, you know, our society is very superstitious regarding love and all these things. So, do you believe in all these kundalis and rashis when it comes to love or marriage? You know, honestly, there are two ways of looking at it. The first is, hum nahi mante. एक है कि कुछ तो सिस्टम होगा जो बीट द हिंदूज थिंग. सो अगर वो सिस्टम फॉलो करके दोनों फैमिलीज और आपके मन में खुद शांति है, गो फॉर इट. और अगर नहीं है तो देन लव विंस एनीवे. सो आई थिंक यू शुड जस्ट मेक अमेंड्स सो दैट द फैमिलीज आर हैप्पी, एंड इफ दे आर नॉट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप टू पीपल फ्रॉम लविंग ईच अदर एंड गोइंग अहेड. See, I personally believe that astrology is not only superstition, it's a deep maths, it's a deep science. It's the science of the, you know, the planets. So it's not just superstition, and ये जो कुंडली मिलवाने का system भी जो है उसके पीछे भी एक बहुत लंबा गणित है. तो of course जो believe करता है they should believe. If you don't believe in it at all, it shouldn't matter. I don't know. I mean, their own. हम बहुत जल्दी. I personally see astrology is like she said, like both of them said कि कुछ तो है उसके पीछे, science है उसके पीछे. But I feel like what astrology does is it tells you the way. But you know आप जो control कर सकते हैं, जो free will होती है वो आपके पास है, आप अपना temperament control कर सकते हैं. So you get information and knowledge, but you have the ability to change your life towards you know the best direction. So I feel that. नहीं यार और सवाल पूछ ले, कोई नहीं है, खाली बैठे हैं, सारे जवाब कर देंगे, मैं रेडी हूँ. Let's have some tea, coffee. पूछ ले कोई और सवाल. क्रिकेट हो गया, चाय पे चर्चा, एस्ट्रोलॉजी होगी, कुछ और भी पूछ ले भाई. जब तक सब आएंगे हम आपको, मैं इलेक्शन का रिजल्ट बता देता हूँ और कुछ बोल दे मोदी. बाय गाइस, मैं भी चौकीदार. बाय बाय.